हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आरपीएस ब्लॉग। सो गाइस, फाइनली हमारे श्रीनाथ चंद्र जी की मूर्ति आ चुकी है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में इधर भीड़ लगी हुई है। फिलहाल आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वो देखिए पीछे आ रही है, क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी काफ़ी लगी हुई है, काफ़ी भारी मात्रा में सिक्योरिटी लगी हुई है, काफ़ी ताबड़तोड़ के साथ आ रही है, एकदम सजावट के साथ, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ आ रही है। ये देख लो हमारे सिक्योरिटी साहब, एक लाइन से हो जाओ भाई। फाइनली देख सकते हैं अब ये भीड़ लगी हुई है, कितनी भारी मात्रा में मूर्ति को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। तो फिर हाँ, इसका हॉर्न को दिखाई दे रहा है, स्टेचू मूर्ति देख रहे हैं, सब लोगों के अंदर कितना उत्साह है मूर्ति को देखने के लिए। या आदमी के अंदर उत्साह इतना भरा हुआ है, सबके अंदर उत्साह से एक से बढ़कर एक उत्साह भरा हुआ है भाई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति स्टेचू देखने को मिलेगा। तो डीजे लेके आओ थे, आप देख सकते हैं डीजे वगैरह सब कुछ सजे हुए हैं, सब कुछ डीजे वगैरह बधे हुए हैं, बताते हुए जय श्री राम। काफी भीड़ लग चुकी है जो कि स्टेचू को देखने के लिए, स्टेचू करीब में आ चुका है, बस 100 मीटर और हम लोगों से दूर स्टेचू। तो फिलहाल आप लोगों को दिखाते हैं स्टेचू, बस पास ही में कुछ ही पल में हम लोगों को पास पहुंचने वाला है। फिलहाल ब्लॉग में बने रहिए, जल्द से आपको सीन दिखाने वाला है भाई, दिखने वाला है आपको, जल्दी दिखने वाला है। जय श्री राम। काफी सिक्योरिटी, काफी रैली लश्कर के साथ आ रही, कितने भारी लोग आ चुके हैं। देखिए हमारे भगवान राम की स्टेच्यू आ चुकी है, आपके करीब एकदम देखिए कबर में, कबर उस पर लगा हुआ है, ये मंदिर है जो लगने वाला है राम मंदिर में। जय लगा हुआ है, काफी ट्रैफिक भी है, काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जा रहा है। तो फिलहाल ट्रैफिक के से बाहर होकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हैं वो पत्थर जा रहा है। तो भाई फाइनली ट्रैफिक तो काफी ज्यादा हो चुका है, इधर इधर आप लोग देख लेते हैं, काफी वो देखिए उस पर ट्राले भी लगा हुआ है। ये सब जो पत्थर गए इससे स्टेचू बनेंगे। तो फिर हाल फाइनली बाल ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और भाई पत्थर गुजर चुका है, आपको मैंने दर्शन करा दिया, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।